माध्यम करना है। और पंचायत में खरीदबो कहा पंचायत पैसा देबो कहा नकदी तक बर दबाव किसान मल्ला डालना चाहिए। ये हम लाभकारी बनाए राइस मिलर, तो राइस मिल के धंधा लाभकारी हुई तो दो चार नहीं सैकड़ों के तादाद में नया राइस मिल खुली। कतका खुली? एक साल में 300, दो साल में 700 राइस मिल। पहले 1500 रीस है ना, राइस मिल डेढ़ गुना हो गया। तो बोला लाभकारी बनाए तेकर से ये हुई। अब बोला फिर से कहा थे 60 रुपया कर, अब वो फिर पेनाल्टी लगना है। पेनाल्टी क्लास अलग है कि समय में कुछ नहीं करे तो 15 रुपया पेनाल्टी, मतलब राइस मिल के धंधे चौपट करना चाहते। उसी प्रकार से गौ पालन ला भी हम लाभकारी कर रहे हैं। जिन पशुधन जिन घूमत रही से ओला बचाए भर हम गौठान शुरुआत करें। और एक तीर से कई निशान है, जैसे भरमार बंदूक फैलते छरिया थे है ना, भरमार बंदूक की गोली खाए हुआ तो कई ठक निशाना लगते है ना। 303 में देखे ठक लगते, भरमार में एक बार में कब को तो गौठान जिन है उसी प्रकार से एक तीर से कई निशाना। पहली बात तो यह कि जिन पशुधन है घूमत रही से तो रुक के गौठान में, दूसरा पैरा दान करत रही से तो पैरा जला दे रही तो पर्यावरण की बचत होगी, तीसरा जिन फसल जिन तत्को किसान छोड़ दे रही से फसल चराई करने से वो फिर से बोल धर ली दूसरा फसल लेके शुरू कर दी। तो और बाद सबसे बड़ी बात है गोबर खरीदी हम शुरू करें, तो गोबर खरीदी करें तेकर कारण से कागज डेयरी चलाने वाला है गौ पालक है तेकर मन के आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। और एक साल में 5 लाख लीटर उत्पादन दूध के बढ़े ये। और साथ जब गौठान बनाए तो गांव की जमीन सुरक्षित होगी, शहर की जमीन सुरक्षित होगी। और वहां बहुत अगर जितका भी हमारे स्व सहायता समूह के बहनी मन है तेना गोबर के वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो काट बनाते और प्राकृतिक पेंट बनाते, दिया बनाते। दिवाली समय भी गोबर की दिया मिलत रही से, ये सरकार के आए के बाद वो बंद हो गए गोबर के दिया। तो कतको जन 2 लाख परिवार ने रोजगार मिलत रही से, अब वो बंद। तो एक दिन से कई निशाना, पर्यावरण की भी सुरक्षा, फसल की भी सुरक्षा, गौवंश की भी सुरक्षा और रोजगार अलग। तो ये सब काम जैसे ये सरकार ये बंद कर दे।